नमस्ते सुशेकाल सबको, दिस इज साहिल गौरी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले यार एक IIT के बारे में, जो कि यार आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा। IIT मंडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार इसका कैंपस बिल्कुल हसीन वादी है, सुहाना सा मौसम है बिल्कुल, और साथ में यार एक डेट हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं IIT मंडी के बारे में, और ये हमारा पहला IIT होने वाला है जो हम कवर करेंगे इस चैनल पे। आने वाले टाइम में यार और भी बहुत सारे IITs कवर करे जाएंगे, और यार साथ के साथ बहुत सारे NITs, IIITs, कुछ गवर्नमेंट के कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस जो अभी तक कवर नहीं हुए हैं उनको भी कवर किया जाएगा। और यार जो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो यार वो जाके आप लोग जाके चेकआउट कर लेना जरूर। प्लेलिस्ट के लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी वो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया ना, उसको ग्रे करके जाना यार, फ्री का है बिल्कुल, दबा दो सबके सब। और यार साथ के साथ बेल आइकन भी जरूर दबा देना, क्योंकि जैसे ही यार नेक्स्ट IITs NITs की वीडियो आएंगी तो यार आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो यार कैंपस टूर तो आप लोगों ने देख लिया होगा, कितना बढ़िया इसका कैंपस है, मतलब मजे ही आ जाएंगे यार यहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। यार लोकेशन तो एक नंबर की है, पूरी ग्रीनरी वगैरह, आपके माउंटेन्स वगैरह, बिल्कुल बढ़िया सा कैंपस बन रखा है। अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसका रिव्यू करेंगे जल्दी से जल्दी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के बारे में बात करने वाले हैं। ये इसका यार लोगो है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो ये 2009 में, जिसको सिर्फ और सिर्फ अभी 11 साल हुए हैं। तो 11 साल में इस IIT ने कितना प्रोग्रेस किया है, कितनी अच्छी प्लेसमेंट निकाली है, वो आपको जल्दी से पता लग जाएगा। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो 31 इसकी NIRF रैंकिंग है, जो कि एक अच्छी रैंक मानी जाती है, बट यार NIRF रैंकिंग वगैरह इतना नहीं देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी यार मोड्स ऑफ एडमिशन पे। अब आप इसके अंदर एडमिशन कैसे ले सकते हो, ये मोस्टली बच्चों को पता होगा। सबसे पहले आपको JEE मेंस देना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका JEE एडवांस होता है जो कि यार थोड़ा फाड़ू सा पेपर होता है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो यार ये तो होगी आपकी एग्जाम की बात, उसके बाद जोसा की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू आप लोग इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो यार ये हो गया आपका मोड्स ऑफ एडमिशन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें तो है आपके कोर्सेज, यहां पे आपको क्या-क्या मिल जाएंगे वो आप यहां पे देख सकते हो। कोर्सेज की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डाटा साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आपको सारे के सारे 4 ईयर के कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर हम 5 ईयर कोर्सेज की बात करें तो यहां पे आपको बीटेक प्लस एमटेक में बायो इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहां पर, कोर्सेज के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट चीज देखें तो सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, आप कौन कौन से कोर्सेज के अंदर कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो यार वो चीज की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हो सारी ब्रांचेस के अंदर कितनी कितनी सीट्स हैं, जेंडर न्यूट्रल और फीमेल ओनली के लिए अलग अलग बता रखा है, तो ये सारी सीट्स आप लोग देख सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, बोरिंग पार्ट है। आगे बढ़ेंगे अब हम जल्दी से कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ की बात करूं तो यार यहां पे आप देख सकते हो JEE एडवांस के अंदर आपको क्या रैंक लानी पड़ेगी हर एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। ये आपकी जो कट ऑफ है ये जोसा की लास्ट राउंड की कट ऑफ। तो यार यहां पे अगर हम देखें कंप्यूटर साइंस के लिए, अगर आप जेंडर न्यूट्रल से हो आपको 3000 के आसपास रैंक लानी पड़ेगी, जो यार एक सेफ रैंक होगी, मतलब सेफ तो क्या आपकी क्लोजिंग रैंक है ये, तो आपको इतनी रैंक तो लानी ही पड़ेगी अगर आपको CSE चाहिए। और अगर आप यार वहीं पे फीमेल हो तो फीमेल्स के लिए 5000 के आसपास रैंक अगर आप लाते हो तो आप CSE ले पाओगे। तो यार फीमेल्स वगैरह को थोड़ा बहुत यहां पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो यार बाकी सारी कट ऑफ भी आप लोग ऐसे ही सिमिलरली देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैं मोस्टली ये सारी PDFs वगैरह अब से डालना स्टार्ट कर दूंगा, और जो भी अपडेट्स वगैरह होंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के वो भी आपको वहां पे मिलते रहेंगे। अब यार जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है ना वो है प्लेसमेंट। तो यार प्लेसमेंट इसके बारे में पूरा अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। IIT है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको एस्टेब्लिश हुए, तो कितना ग्रो किया है, कैसा IIT है, आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यार कितना प्रोग्रेस वगैरह हुआ है, वो सब आपको इसकी प्लेसमेंट से पता लग जाएगा। तो यार अब प्लेसमेंट की सबसे पहले बात करें यहां पे तो आपका हाईएस्ट पैकेज जो 2020 में गया है वो है 50 LPA, जो कि एक बहुत अच्छा पैकेज माना जाएगा जिस हिसाब से इसकी एस्टेब्लिशमेंट है। तो यार बहुत अच्छा पैकेज है ये इसका। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए एवरेज पैकेज की बात करें तो यार यहां पे आप देख सकते हो 11 से लेकर 12 LPA के पास आपका एवरेज पैकेज चला जाता है, जो कि
काफी अच्छा और डिसेंट पैकेज माना जाएगा। एक फ्रेशर के लिए इतना पैकेज यार बहुत सही माना जाता है। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड आपके 85-90% ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं, जो कि यार एक डिसेंट नंबर है। इसके बाद यार 7.5 प्लस पॉइंटर्स जब से ज्यादा सेफ रहता है। वैसे तो यार 6.5 से अबव भी आप ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में बैठ सकते हो, आईटीज की अगर सिर्फ मैं बात करूं, लेकिन यार अगर आप जितना हाई मेंटेन कर पाओगे सीजीपीए उतना ज्यादा बेटर रहता है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं 7.5 अगर आप मेंटेन कर पाओगे तो बहुत सही बात रहेगी। इंटर्नशिप्स वगैरह की बात करें तो यार इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करवाई जाती है, पीपीओ भी मिलता है। अगर 2020 की बात करूं तो अराउंड 15 से 20 लोगों को पीपीओ मिला था। तो यार पीपीओ क्या होता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है, जिसमें यार अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह करते हो, कंपनी को आपका काम पसंद आता है तो वो आपको डायरेक्ट हायर कर लेते हैं और आपको प्लेसमेंट्स में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यार ये हो गया आपका इंटर्नशिप की बात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो कुछ कंपनीज की बात कर लेते हैं जो यार यहाँ के कुछ टॉप रिक्रूटर्स और मेजर रिक्रूटर्स रहे थे। तो यार Amazon, डायरेक्टी, ओयो, ओडोब, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, फ्लिपकार्ट, 1MG, गोल्डमैन सैक्स, L&T, टॉपर, बायजूस, ये यार यहाँ के काफी अच्छे मेजर रिक्रूटर्स रह चुके हैं। तो यार ये होगी आपकी प्लेसमेंट की बात, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक कुछ स्टैट्स दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यार ये है आपका स्टैट्स जो आपको दिखा रहा है कि कितने टोटल स्टूडेंट्स थे हर एक ब्रांच में, फिर यार कितने एलिजिबल थे और कितने प्लेस्ड हो गए। तो यार आप देख सकते हो CSE की अगर मैं बात करूं काफी हाई परसेंटेज चला जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा लो है, फिर यार जो आपकी सिविल और मैकेनिकल ब्रांचेस है, जो आपकी कोर ब्रांचेस है, वहां पे काफी ज्यादा कम जाता है, क्योंकि यार कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट कम हो जाती है। और यार अगर यहीं पे मैं कोर ब्रांचेस की, जैसे आपकी सिविल और मैकेनिकल के जो स्टूडेंट प्लेस होते हैं, उनका एवरेज पैकेज की बात करूं तो यार 4-6-7 के आसपास चला जाता है, जो कि यार इतना अच्छा नहीं होता है। और यार यहां से इन ब्रांचेस से काफी सारे बच्चे गेट वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर आपका UPSC सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो यार काफी बच्चे रजिस्टर भी नहीं करते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो यार ये हो गई आपकी बात प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में, स्टैट्स के बारे में। इसके बाद एक और स्टैट्स जो इनकी वेबसाइट पे मैं को दिखा था, वो आप यहां पे देख सकते हो। ये ऑलमोस्ट सिमिलर स्टैट्स है ऊपर वाले के, यहां पे भी यार बता रखा है टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, इसके बाद एलिजिबल कितने स्टूडेंट्स थे और किन्होंने रजिस्टर किया, कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए और नंबर ऑफ जॉब ऑफर रिसीव। CSE में काफी अच्छा नंबर ऑफ जॉब ऑफर रिसीव्ड है। उसके बाद यार इलेक्ट्रिकल में भी ठीक है, लेकिन मैकेनिकल और सिविल की अगर हम बात करें तो वहां पे ये चीज यार कम हो जाती है, आपको जॉब ऑफर्स वगैरह कम मिलते हैं, जो चीज यार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं, कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो यार ये तो होगी हमारी बात प्लेसमेंट के बारे में, पूरा अच्छे से आप लोगों को बता दिया है, डिटेल में पूरा यार बताया गया है, सारी प्लेसमेंट वगैरह अच्छे से कवर कर दी है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट रह जाता है तो यार आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां ज्यादा एक्टिव रहता हूं, तो यार आप लोगों के मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई देके सारे डाउट्स कवर कर दूंगा। मेरा हैंडल @SahilGauri आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। अब यार आगे बढ़ते हैं हम, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर और हॉस्टल वगैरह ये सारी चीजें कवर करते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट जो है आपका वो है स्प्रेड अक्रॉस 520 एकर्स, जो कि यार बहुत बड़ा लैंड एरिया है, मतलब इसका कैंपस बहुत ज्यादा वास्ट है और बहुत अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है, जो कि यार बहुत सही चीज है। इसके बाद यार क्लास, लैब्स आपको सारे मिल जाएंगे, सेंट्रल लाइब्रेरी है, सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर है, जो कि यार काफी अच्छा स्पेशियस है, वेल मेंटेन्ड रहता है और यार ऑलमोस्ट 24/7 आपका कंप्यूटर सेंटर खुला रहता है। तो यार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पूरा फायदा उठा सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं होता है फर्स्ट ईयर में तो आप कंप्यूटर सेंटर वगैरह में जाकर कोडिंग वगैरह या फिर जो भी चीज आपको प्रैक्टिस करनी है वो आप कर सकते हो। इसके बाद यार गुड स्पीड वाईफाई एनेबल कैंपस मिल जाएगा। स्पोर्ट्स की बात करें ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिम, स्विमिंग, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फैकल्टी ओके है, मतलब इतनी ज्यादा बेकार नहीं है, काफी सारे टीचर्स PhD होल्डर्स वगैरह हैं, जैसे कि यार आपकी IIT है तो इनको इंप्रूव करनी है प्लेसमेंट्स वगैरह, इनको अपनी यार एक रैंकिंग वगैरह डेवलप करनी है, तो यार टीचर्स वगैरह काफी सही रहते हैं, इतने ज्यादा बेकार टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। मेनी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, तो यार रिसर्च के रिगार्डिंग भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। इन सब चीजों के अलावा यार आपको कैंटीन, कॉफी शॉप, स्टेशनरी, वर्कशॉप, मेडिकल सेंटर, बैंक और ATM भी कैंपस के अंदर मिल जाएगा। तो यार बहुत ज्यादा वास्ट कैंपस है, आप लोगों को यार हिल स्टेशन वगैरह पे आप रह रहे होंगे तो आपको ज्यादा बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट सारी चीजें कैंपस के अंदर मिल जाएंगी। और यार एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, यहां पे यार आपका सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलता है, मतलब काफी सारे बच्चे सेमेस्टर एक्सचेंज, मतलब एक सेमेस्टर के लिए किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने वगैरह के लिए, तो वो भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आप
एक्सप्लोर करते हो यार बाहर जाकर, काफी सारे नई यूनिवर्सिटीज में जाते हो और यार बच्चों से इंटरेक्ट वगैरह करते हो, कनेक्ट करते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यार सबके सब जरूर ग्रैब कर लेना। अब बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो यार फी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें यार इंस्टीट्यूशन फीस की, तो आपकी 1,02,750 रुपीज जाएंगे पर सेमेस्टर। इसके बाद आपकी एक वन टाइम फीस जाएगी 3,750, जो आपकी वन टाइम फीस है, मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ आपको देनी होगी। और आपकी एक कॉशन मनी जाएगी 4,000 रुपीज, जो कि यार लास्ट में रिफंडेबल होती है, बट आपको सिर्फ एक ही बार देनी होती है। हॉस्टल फीस की बात करें तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो 6,500 रुपीज जाएंगे। ये पर सेमेस्टर है, गलती से पर ईयर मतलब हो गया है, तो आप लोग समझ जाओगे, मैंने बता दिया आप लोगों को। मेस फीस की बात करें तो यार 13,500 रुपीज आपके मेस के भी जाएंगे, ये भी आपके पर सेमेस्टर है। और यार हॉस्टल के लिए भी आपको कॉशन मनी देना पड़ेगा, जो कि है 3,000 रुपीज, जो कि लास्ट में रिफंडेबल होता है। वही सिमिलर टू यार इंस्टीट्यूशन फी में, जैसे आप कॉशन मनी देते हो वैसे ही आपको हॉस्टल के लिए भी देना पड़ेगा। अब यार जितने बच्चे स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड है, एससी एसटी पीएस स्टूडेंट या फिर ओबीसी स्टूडेंट है, जिनकी फैमिली इनकम वगैरह कम है, तो यार वो यहां पे ये सेक्शन पढ़ सकते हैं। इस पे यार मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मतलब आप लोगों को सिर्फ रीड करना, समझ में आ जाएगा। अब यार आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से हॉस्टल के ऊपर। तो यार हॉस्टल के बारे में भी हर एक चीज कवर करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट देखे तो 5 बॉयज हॉस्टल है, 3 गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स एस टू बॉयज रेशियो की बात करूं तो 1:7 से लेके 1:10 के बीच में गर्ल्स एस टू बॉयज रेशियो रहता है हर एक आईआईटी की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखे तो आपको डबल और ट्रिपल शेयरिंग रूम मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में, उसके बाद हो सकता है यार आपको थर्ड ईयर के आसपास सिंगल रूम दे दिया जाए। बेड टेबल चेयर बुकशेल्फ कपबोर्ड ये सारी चीजें आपको हर एक रूम में मिल जाएंगी, तो यार उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं होगी, रूम वगैरह स्पेशियस रहते हैं। कॉमन रूम्स मिल जाएंगे आपको जहां पे एलईडी टीवी लगा होगा, साथ के साथ यार टीटीवी होगा, मतलब खेलने के लिए आप आईपीएल देख रहे हो साथ में अपना टेबल टेनिस खेल रहे हो मजे में बिल्कुल। स्टडी रूम्स अवेलेबल है, जितने भी नए हॉस्टल बने वहां पे आपको स्टडी रूम्स मिल जाएंगे। गुड स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी है, जो कि यार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वाईफाई वगैरह के रिगार्डिंग। इसके बाद यार मेस फूड ओके ओके, ज्यादा बेकार नहीं बोलूंगा मैं, ठीक ठाक है, मतलब मेस फूड के बारे में इतनी बात नहीं करूंगा मैं। माइक्रोवेव ओवन आप लोगों को मिल जाएगा, तो यार ये काफी अच्छी बात है, अगर आपको रात को गर्म खाना करना है या फिर अगर आप कुछ और अपने आप से बना के खाना वगैरह चाहते हो, तो आप वो माइक्रोवेव ओवन में कर सकते हो। तो यार ये हो गई आपके हॉस्टल की बात, सारी चीजें मैंने कवर कर दी ऑलमोस्ट हॉस्टल के बारे में। साथ के साथ यार आपको कुछ लेट नाइट कैंटीन वगैरह भी मिल जाती है हॉस्टल में, जो कि काफी अच्छी बात है। तो यार ये हो गई हमारे कंप्लीट हॉस्टल की बात। अब कुछ चीजें जो रह गई हैं वो रह गया फेस्ट, क्लब्स और साथ के साथ आपका अटेंडेंस का क्या रूल रहता है। तो यार यहाँ पे हम सबसे पहले देखें फेस्ट, इनका एक्सोडिया करके फेस्ट होता है, जो कि एक कल्चरल और टेक्निकल फेस्ट होता है, काफी अच्छे लेवल पे बहुत सारे इवेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं, कल्चरल भी टेक्निकल भी बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज होते हैं। क्लब्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको काफी सारे क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, रोबोट्रॉनिक्स क्लब, तांत्रिक क्लब, IEEE, म्यूजिक क्लब, डांस क्लब, फोटोग्राफी क्लब, डिबेटिंग क्लब, ऐसे यार बहुत सारे क्लब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यार इन क्लब्स में सबके सब स्टूडेंट्स जाना, एक्सप्लोर करना अपने आप को, जो भी यार जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप कनेक्ट कर सकते हो, उनसे कुछ ना कुछ गेन कर सकते हो, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इनकी टीम मेंबर में यार एक हेड बन जाते हो किसी भी क्लब के, तो आपको यार बहुत कुछ मैनेज करना होता है, उससे आप अपनी मैनेजिंग स्किल्स वगैरह सीखते हो, लीडरशिप स्किल्स सीखते हो, तो यार बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये। इसके बाद यार अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, जो कि यार थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, और कुछ परसेंटेज मतलब रहता है, अगर आपकी अटेंडेंस कम होगी तो आपके कुछ मार्क्स वगैरह भी काट लिए जाते हैं। तो यार इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन टीचर आपको एडजस्टमेंट कर लेगा अटेंडेंस के अंदर और कौन टीचर नहीं करेगा। तो यार ये तो बात होगी आपकी यार पूरे कॉलेज की, अच्छे से आप लोग को बता दिया है। अब यार काफी सारे बच्चे पूछते हैं ये चीज कि हाँ हमें यार एक तो लोअर का आईआईटी मिल रहा है, जैसे कि आईआईटी मंडी या फिर कोई भी न्यू आईआईटी जो है, या फिर हमें यार टॉप के एनआईटीज मिल रहे हैं, तो हम किस में जाएं, चाहे आपको यार दोनों में सीएससी क्यों ना मिल रही हो। तो यार ये चीज आपके ऊपर टोटली रहेगी, आईआईटी एक काफी अच्छा ब्रांड है, बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो ये चीज आप लोगों को देखनी है आपको किसके अंदर जाना है। मेरे हिसाब से तो यार बहुत अच्छा कैंपस है ये भी, यहाँ के भी प्लेसमेंट स्टार्ट्स बहुत अच्छे हैं, अगर स्पेशली बात करूं सीएससी इलेक्ट्रिकल वगैरह की, तो यार काफी अच्छे प्लेसमेंट स्टार्ट्स हैं इसके। तो यार पूरी बात कर
ली है हमने इस कॉलेज के बारे में। आईआईटी मंडी हमारा फर्स्ट आईआईटी था जो हमने कवर किया है। आने वाले टाइम में बहुत सारे आईआईटीज कवर करेंगे, तो यार चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो यार लाइक का बटन सबके सब जरूर दबा देना। कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा हैंडल है @sahilgauri, वहां थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता हूं तो आपको जल्दी से रिप्लाई मिल जाएंगे। और यार सबके सब दबा देना, मतलब सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है, दबा के सबके सब चले जाना। और यार मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।